2024 साधारण निर्वाचन आहुरी वर्षे बाकी थिबा बेले भद्रक राजनीति रे एबेठु उष्मता देखा गलाणी। आसंता मार्च मास 26 तारिख रे केन्द्र गृहमंत्री तथा बीजेपी रो द्वितीय सर्वमान्य नेता अमित शाह भद्रक आसुछन्ती। ताको दिनिकिया गस्त समय रे भद्रक रो प्रसिद्ध बाबा आखंडळमणि मंदिर दर्शन करबा कुचबी आउ याकुनी जिला प्रशासन ठारु आरंभ करी भद्रक बीजेपी तत्पर होइ उठलाणी। प्राक निर्वाचनी उष्मता बुद्धि करिबा पई साहांक गस्त होउछ बोली राजनीतिक महल्ले आलोचना होउछ। भद्रक रे बीजेपी रो स्थिति सुदृढ़ होउथवा बेले एहि स्थिति को आहुरी मजबूत करिबा पई अमित शाह भद्रक आसी दलीय नेता और कर्मी मनरे उत्साह भरिबे बोली चर्चा आरंभ हेलाणी। गत 2019 साधारण निर्वाचन रो भोट हार कथा जदि आमे देखिबा तबे बीजेपी जिलारे द्वितीय स्थान रे थिला। जिलार 5 विधानसभा क्षेत्र रु गोटे विधानसभा क्षेत्र धामनगर रे बीजेपी विजयी होता बेले अन्य आसन रे बीजेपी द्वितीय प्रतिद्वंदी भाव रही है। भद्रक लोकसभा क्षेत्र में मध्य बीजेडी थारु बीजेपी अल्प भोट व्यवधान में पराजित होता। बीजेपी रो धामनगर विधायक विष्णुचरण सेठी अकाल वियोग पर सेठार होता उपनिर्वाचन में पुओ सूरज सूर्यवंशी विजयी होगापर जिलार सब निर्वाचन मंडल में बीजेपी एवं तार स्थिति सुदृढ़ करने लगी पड़ी। अपरपक्ष भद्रक वर्तमान सांसद मंजुलता मंडल और स्वामी धामनगर पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल बीजेडी रो कोणठसा अनुभव करी आगामी दिन में बीजेपी में मिशिबार अनुमान करा जाउछि। एक विश्वस्त सूत्र प्राप्त खबर अनुसार स्वर्गत विष्णु सेठी पुओ वर्तमान धामनगर विधायक सूरज सूर्यवंशी मंडल परिवार एक संभाव्य मधुर संपर्क जोड़ी होगा जाता बेले मंडल दंपति बीजेपी में सामिल होगा कथा अणदेखा करानजाईपे। निकट उभय दंपति दिल्ली में अमित शाह बहु बीजेपी केन्द्रीय नेता को भेटिंट आई समस्त कथा को विचार कले जना जाए आगामी दिन में भद्रक राजनीति में किसी भी बड़ परिवर्तन हो पारे। एवं समस्त अपेक्षा अमित शाह भद्रक आगमन। ब्यूरो रिपोर्ट जाजपुर न्यूज।